एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक बार फिर से एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर। आज की वीडियो की रिक्वेस्ट मुझसे की है गौरव कुमार जी ने। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको ओपन कैसे करना है, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। और ऑफ कोर्स, क्योंकि कमेंट में बताना इतना आसान नहीं होता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं इसके लिए कि बेबी बॉय के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको ओपन करना सही है या गलत है, कैसे करना है, डॉक्टर्स की क्या राय होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि घरेलू उपाय क्या होते हैं जो हमारी दादी नानी पुराने समय से और अभी तक जो लोग करते आ रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम नए नए माँ बनते हैं, बहुत छोटा बेबी होता है और पहली बार बच्चा होता है, तो आजकल जैसे कि हम लोग अलग रह रहे हैं, सिर्फ बाहर रहते हैं, सिर्फ मम्मी पापा हैं और बच्चा है, तो बड़े बुजुर्ग लोग घर में नहीं हैं या दूर हैं, इन वजहों से हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी सजेशन देते रहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ और सही तरीका बताने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है नीलिमा, आप देख रहे हैं नारी जीवन। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। सो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो लोग ये आपको बताएंगे कि जो बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट होता है उसको आपको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और साल दो साल तक जो उसकी स्किन होती है वो बहुत नाजुक होती है और अंदर से वो चिपकी हुई होती है, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दो साल से ऊपर, तीन साल का, तो वो स्किन जो है वो अपने आप थोड़ी सख्त होती है और उसकी वजह से वो अपने आप निकलना शुरू हो जाती है, मतलब कि अपने आप ओपन होना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स एक क्रीम भी आती है, वो भी रिकमेंड करते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे, अगर आपका बच्चा दो साल से बड़ा हो गया है और अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो डॉक्टर एक क्रीम देते हैं या फिर कुछ लिक्विड भी देते हैं जिससे कि बहुत जल्दी, मतलब विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ही बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो अपने आप ओपन हो जाता है, जिसे कुछ लोगों ने उसको मतलब बोला हुआ है कि सूसू करने की जो जगह होती है जहाँ से बच्चा यूरिन पास करता है, वो वाली जगह। सो डॉक्टर की माने तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है और मेडिकल में इसके लिए क्रीम और लिक्विड अवेलेबल होते हैं जिन्हें यूज़ करके आप बहुत जल्दी सेफ्टी के साथ, बिना किसी पेन के, बिना ब्लड आए, कोई भी परेशानी के बिना उसे ओपन कर सकते हैं। तो मेरी भी सजेशन यही है कि अगर आप एक न्यू पेरेंट्स हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करें आप वही करिए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन का डर होता है और अभी तो हॉस्पिटल्स भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुल रहे हैं, सो कोई परेशानी हो गई तो आपको कहीं भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, बट ठीक है। और एक बात पे आपको बताना चाहती हूँ कि ओपन करना तो एक सेकेंडरी बात हो गई, सबसे ज़्यादा चाहे आपका बेबी बॉय है या गर्ल है, मतलब लड़का है या लड़की है बच्चा, बट उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है, जैसे आप उसके बॉडी को, उसके शरीर को क्लीन करते हैं, उसके माउथ को क्लीन करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं, कान नाक साफ करते हैं, उसी तरह से आपको बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में बट लड़कियों को भी हो जाती है कि उनकी जो बाथरूम करने की जगह है वहाँ पे एक पतली सी परत इकट्ठी हो जाती है और इसकी वजह से उनको बाथरूम नहीं आता और फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन करके उस एरिया को हटाना पड़ता है और उसके बाद ही वो ठीक होता है। तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सफाई करने के लिए आपको कोई भी साबुन, कोई भी बेबी सोप, बेबी लिक्विड कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से, जब आप बच्चे को नहला रहे हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बच्चे को नहलाते समय उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को भी आप अच्छे से क्लीन करिए, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, और आपके हाथ उस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्लीन होने चाहिए क्योंकि आप प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हो, जो इंटरनल पार्ट है उसको टच कर रहे हो।
सो आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद नॉर्मल या फिर हल्का सा गुनगुना पानी, एकदम हल्का वार्म वाटर जिसे हम कहते हैं, वो पानी आप ले सकते हैं और उससे बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे और अगर बेबी बॉय है आपका, सो उसके जो प्राइवेट पार्ट की जब स्किन निकलती है, उसके जो अंदर का पार्ट है वहाँ पे वाइट वाइट सा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो जमने लगता है, उसके बाद बहुत सारी तकलीफ आपको और आपके बच्चे को सहनी पड़ेगी। सो प्रॉपर क्लीनिंग करिए, और डॉक्टर की माने तो आपको स्किन ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली टाइम के साथ अपने आप ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं घरेलू तरीके के, जो हमारी दादी नानी करती हैं, जो मैंने देखा है अपने घर में अपनी मौसी को जैसे वो लोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका होता है जब आप क्लीनिंग कर रहे हो, मतलब कि जब आप बच्चे को नहला रहे हो, जब आप बच्चे को नहलाते हो तो आप नॉर्मल पानी या फिर हल्का सा गर्म पानी, मतलब वार्म वाटर, बहुत बहुत हल्का गर्म जो आप सह सकते हो, आपके बच्चे की स्किन और भी सॉफ्ट है वो भी जो सह सकता है, उतना हल्का सा गर्म पानी आप ले लोगे। और जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो जो उसके प्राइवेट पार्ट हैं, मतलब जिस जगह से वो सुसु करते हैं, उस पार्ट को आप थोड़ा सा पकड़ के और उसके ऊपर हल्का हल्का पानी गिराओगे, और हल्का सा एकदम हल्के हाथ से, आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते हैं करनी है। बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो स्किन होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आपने ज़रा भी ज़्यादा ताकत लगा दी तो ब्लड आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जलन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। सो आपको बहुत बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना है, बस हल्का सा जितना वो अपने आप हो सकता है हल्का सा आप उसको नीचे करिए, पानी गिराइए और फिर ऊपर कर दीजिए। इस तरह से क्लीनिंग के समय आप करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, एक दो दिन में नहीं खुलता है। आप रोज करेंगे इस तरह से हल्का 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 हल्का, तो 15-20 दिन में, एक महीने में, जैसी आपके बच्चे की एज होगी, अगर बच्चा 2 साल से छोटा है, मतलब बहुत छोटा है तो जल्दी खुल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया है तो स्किन जैसे जैसे हार्ड होती जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, तो उस हिसाब से आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी तेज़ी से नीचे नहीं करना है, एकदम नॉर्मल, मतलब अगर ये है तो आपको हल्का सा जितना वो हो सकता है उतना ही करिए और उसको क्लीन करिए अच्छे से, पानी डालिए। सेकेंड, मालिश के टाइम, ये आप सभी को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो जब हम बच्चे की पूरे बॉडी की मालिश करते हैं ना, तो सबसे पहले, मतलब मालिश करने से आप पहले उस जगह पे प्राइवेट पार्ट में जो सुसु की जगह होती है वहाँ पे 2-3 ड्रॉप जो भी ऑयल से आप मालिश करें जो आपके बच्चे को सूट करता है, जैसे कि मैं अपने बेबी की मालिश के लिए सरसों का तेल यूज़ करती थी, आप जिससे भी करते हो, बहुत सारे लोग कोकोनट, मतलब नारियल के तेल से करते हैं, कुछ लोग जैतून के तेल से करते हैं, कुछ लोग बादाम के तेल से करते हैं, तो जो तेल आपके बच्चे को सूट करा है, जिस तेल से भी आप मालिश कर रहे हो, उसी तेल को 2-3 बूंद उसके प्राइवेट पार्ट में आपको 2-3 ड्रॉप डाल देना है, और फिर आपको पूरी मालिश कर देनी है। तब तक वो तेल जो है वो अंदर अच्छे से चला जाएगा, फिर आप हल्का सा नीचे करके और नीचे ऊपर कर दीजिए, हल्का सा जितना हो सके उतना ही। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको बहुत तेज से नहीं करना है, नहीं तो आपके बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। और गर्ल भी, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड भी है तो भी आपको प्राइवेट पार्ट्स को भी मसाज करनी चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए और हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करना चाहिए, ताकि उनका भी वो एरिया क्लीन रहे और कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। सो क्लीनिंग का ध्यान रखिए, और मालिश के समय या नहाते समय आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया है और अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो प्लीज़ जाकर एक बार डॉक्टर से सलाह लें, यहाँ वहाँ वीडियोज़ देख के, घरेलू नुस्खे या फिर किसी का सजेशन सुन के कुछ ट्राई ना करें, नहीं तो आपको, आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट होगा आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको एक कोई क्रीम दे देंगे, कोई लिक्विड दे देंगे, उससे बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा और बिना किसी हार्म के, बिना किसी इन्फेक्शन के होगा। सो आपको और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो फीमेल से या बच्चों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड गौरव कुमार जी, थैंक यू मुझे ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए।
एंड यस, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने भी कमेंट में बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ लिखा था, सो प्लीज़ आप लोग इतना मतलब रिक्वेस्ट मत करिए, आप मुझे सजेस्ट करिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग के सजेशन पे वीडियोस बनाना, और बस आप लोग मुझे लिंक दीजिए टॉपिक, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर देती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करिए, मुझे आप लोग के कमेंट्स का वेट रहता है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, आपको लगता है किसी नई मॉम को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक तो फ्री होता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर फीमेल से और बेबीज से रिलेटेड बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ सही जानकारी के साथ मिलते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, नमस्कार।